तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा छठवीं की विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में। ठीक है, तो इसमें अभी तक हम लोग तीन चैप्टर खत्म कर चुके हैं। इसमें बात करने वाले हैं वस्तुओं के समूह बनाना। याद रखिए, आपके जितने भी एनसीईआरटी से संबंधित चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं, वो सभी एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है उसी में डले हुए हैं। वस्तुओं के समूह बनाना याद रखिए। फिर से मैं वही बोलूँगा कि आप लोग इसे कहानी की तरह सुनिए, फिर चाहे पढ़िए, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा ऐसे शब्द नहीं है कठिन जो आपको समझ में ना आ सके। ठीक है, लास्ट में इसका जो निष्कर्ष होता है वो बता ही दिया जाता है, तो जिससे और जो शब्द यूज होते हैं, जो इन्हें कि हमें परिभाषा समझाई गई है उनके बारे में भी बता दिया जाता है। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए। वो मेरा मेरी तो सलाह यही है कि आपको टेलीग्राम पर जो पीडीएफ डाल दी है पूरी, एक बार उसे पढ़ लीजिए, बहुत जल्दी में ख़त्म कर देंगे आप लोग। तो यहाँ मेरा क्या है कि चैप्टर वाइज चैप्टर ख़त्म करना है। ठीक है, तो मेरा भी कर्तव्य वही है कि एक तरफ से पूरा छोड़ भी नहीं सकते हैं, तो अगर आप जल्दी में हैं तो वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ते रहिए। हमारे चारों ओर की वस्तुएं, हमने देखा है कि हमारे भोजन वस्तुओं में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने के लिए बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर, अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग अथवा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद, जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल, कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब, संतरे, घड़े जैसी बहुत वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए कि हमने ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है, तब हम इस सूची में उन सभी मदों वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हम अध्याय एक की श्रेणी में सूचीबद्ध किया था। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से बहुत सी वस्तुएं इस समूह में सम्मिलित हो सकती हैं, जैसे आपने सेब की बात की थी, संतरे की बात की थी। ठीक, मान लीजिए कि हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं, तो बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, हिलौने, जलपात्र, पाइप, इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृतियों और तथा जिस पदार्थ से भी बने हैं के आधार पर बांटा है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। एक पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख, मृदा हो सकती है। ये है आपकी, देख रहे हैं। आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्रित करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है। कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्रित कर सकते हैं। हमारे संग्रह में हमारे पास होगा चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, बैट, बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक, आलू। हम वस्तुओं की ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़क। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूह में बांट सकते हैं। इनमें से एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी और दूसरी समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी होती। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। आइए हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं, एकत्रित की गई सभी वस्तुओं की सारणी सूची में बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी हो उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना है जिससे जितनी वस्तुएं संभव हैं उन सभी के बारे में सूचना एकत्रित करके लिखना है। एक कुतुक हो सकता है। एकत्रित की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थ के बारे में पता लगाना है कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान
के लिए अपने मित्रों, शिक्षक और अभिभावक से विचार विमर्श कर सकते हैं। जैसे प्लेट, थाली, इस्पात, कांच, प्लास्टिक, अन्य की भी बनाई जाती है। पेन आपका प्लास्टिक धातु का भी बनाया जा सकता है। कुछ सामान्य पदार्थ की सूची भी दी गई है। इसके अतिरिक्त आप अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थों कॉलम में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी के दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है। उन्हें कॉलम दो में सूचीबद्ध किया गया है। इन सभी सारणियों में हमें क्या पता चलता है कि पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूह में रखा था। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी है। कई बार तो वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी होती हैं, तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जाती हैं। यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। लकड़ी से बनी वस्तुएं हो सकती हैं आपकी कुर्सी, मेज, बैल गाड़ी, इसके पहिए, कागज, पुस्तक, नोटबुक, समाचार, खिलौने, कैलेंडर। इसी तरह आपकी चमड़ा से हो सकती है, बेल्ट, आपके जूते, इसी तरह की आपके कई पहनने वाले जो स्वेटर वो होते हैं, जरकन होते हैं, बनाए जाते हैं। प्लास्टिक से आपके खिलौने, बोतल, लंच बॉक्स, रुई से आपके कपड़े भी बनाए जाते हैं, गद्दों में यूज होती है, तकियों में, ठीक है। पदार्थों के गुणों के बारे में जानते हैं। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जा सकता? कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया था अध्याय 3 में, उसे याद कीजिए कि और यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़ों का गिलास बनाए कपड़े का, तो क्या हमारे यह कार्य काफी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा? गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ, उस पदार्थ के गुणों, उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, नीचे गुणों की विवेचना की गई। पदार्थ क्या एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं? लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबा एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई देता है, परंतु फिर भी लोहा तांबा एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं हो पाई जाती। विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की सीट, चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीली पदार्थ को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे कि आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को दो भागों में बांट काटें, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया कि क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों से इस प्रकार का कोई चमक अथवा दूति देख सकते हैं? जैसे कि संभव सके ढंग से उन्हें काटिए, धातुओं के टुकड़ों को उनकी दूति देखिए, ठीक है। दूतिमान या दूतिहीन, दूतिवान या दूतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर पदार्थों के पृष्ठों को रेग माल से रगड़कर यह देख सकते हैं कि दूतिवान अथवा है अथवा नहीं है। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की दूति होती है वे धातु होती हैं, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं, दूतिहीन, निष्पक्ष दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु अथवा नमी के अभिक्रिया के कारण होता है, इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही धूति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें। वो या देखें कि इनमें धूति है या अथवा नहीं। कठोरता जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथ से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए, इससे लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील,
बल्कि चाक अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पेस्ट को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरों सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता है। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित अथवा खरोंचा जा सकता है, उन्हें हम लोग कोमल पदार्थ कहते हैं। मैं यही बोलूंगा आपसे कि इसे मुझे खुद समझ में नहीं आता है कि आप लोगों को आखिर इसमें समझाऊं क्या, क्योंकि मुझसे बेहतर आप लोग समझ सकते हैं, पढ़ेंगे एक दो बार आराम से समझ जाएंगे। अब देखिए इसमें कोमल पदार्थ की परिभाषा कितने आसान शब्दों में लिखी गई। जब अपने पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, उन्हें कठोर पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है, जबकि लकड़ी आपका कठोर है। दिखापट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे धुती कठोरता, रुक्ष, खुरदरा अथवा चिकना होता है। क्या आप इन गुणों के बारे में सोच सकते हैं? किसी पदार्थ का दिखावट विलेय अथवा अविलेय। अब देखिए इसमें जो भी आई है, इसमें विलेय अथवा विलेय अविलेय की परिभाषा दी गई। कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू, रेत अथवा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्रित कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक, इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तु को चम्मच से बिलोडित कीजिए, धीरे धीरे हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, प्रेक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थ का क्या होता है। नमक जल में पूर्णता लुप्त हो जाता है, जल में पूर्णता लुप्त हो जाता है। चीनी भी आपकी जल में पूर्णता लुप्त हो जाती है, ठीक। बालू नहीं होगी, चाक का पाउडर मिल जाएगा, लकड़ी का बुरादा भी मिल जाएगा उसमें, लेकिन पूर्ण तरह से लुप्त नहीं होगा, इनका असर रहेगा। आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णता लुप्त हो जाते हैं, घुल कर विहीन हो जाते हैं। हम यह कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विलेय हैं, जो पूर्ण तरह से लुप्त हो जाते हैं, उन्हें हम लोग विलेय कहते हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं, काफी समय तक गिलास में विलोदित करने पर भी ये जल में लुप्त नहीं होते हैं। ये पदार्थ जल में अविलेय कहलाते हैं। चूंकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर में विकारों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव नमूने एकत्रित कीजिए। कांच का 1 गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति विलोदित कीजिए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, निरीक्षण कीजिए क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सकें, प्रयोग दोहराइए इनका। हम देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णता मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते। कुछ समय तक ऐसे चीज छोड़ देने पर अपने पृथक परख बना लेते हैं। सिरका भलीभांति मिश्रित हो जाता है। कुछ गैसें जल में विलेय हैं, जबकि अन्य नहीं। सामान्यतः जल में कुछ ऐसी गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं और पादपों की उत्तर जीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। जल में अविलेय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। कुछ द्रव के साथ ही देखा होगा, इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए, वे जल के पेस्ट पर आकर तैरने लगते हैं। जल में डूबती अथवा तैरती वस्तुएं अनडूब कर गिलास की तली में पहुंच गए थे। क्या यह सच नहीं है कि हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां, वह कंकड़ जो आप इस तरह तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? बूझो या चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले अथवा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण हैं। अन्य द्रव जैसे तेल, तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। पर पारदर्शिता, आपने लुका छुपी का खेल खेला होगा, उन स्थानों में के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दें। आप इन स्थानों को ही क्यों चुना है? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपको पता लगा लेगा।
उन पदार्थों अथवा सामग्रियां जिन से होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है पारदर्शी कहते हैं। कांच, जलवायु, कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण। फिर दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य पदार्थ, खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं ताकि खरीदार इन वस्तुओं को आसानी से देख सके। एक ही दुकान में रखी पारदर्शी डिब्बे, ठीक है, बोतलें। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनके ऊपर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते हैं कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या है। लकड़ी, गत्ता अथवा धातुएं अपारदर्शी पदार्थ के उदाहरण। कागज की एक सीट लीजिए, इससे होकर किसी विदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में अपने प्रेक्षण नोट कीजिए। अब कागज की सीट के बीच में दो तीन बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज के उस भाग से जहां तेल फैलाया, प्रदीप्त कर बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले से ही अपेक्षा हो रहा है कि स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णता स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थ जिनके होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें हम लोग पारभासी कहते हैं। कागज पर लगे उस तेलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों को वसा के परीक्षण के करने में किया था, वह भी पारभासी भासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थ के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं? हम पदार्थों को पारदर्शी, अपारदर्शी और पारदर्शी अथवा पारभासी के रूप में समूह में बांट सकते हैं। पहली, किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर का परीक्षण कीजिए। वह यह जानना चाहती है क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है अथवा पारदर्शी अथवा पारभासी है। हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार से करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी जाएं। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्रयास सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों के वो अन्य स्थान पर, जबकि अनाज अथवा दालों का भंडार किसी एक स्थान पर रखता है। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस सब प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों को किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन सकता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में, मतलब आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब देखिए, हम लोगों ने यहाँ कौन कौन से शब्दों की परिभाषा जानी है। आज कठोर शब्द देखा है हमने, आबिले शब्द देखा है, धोती में चमकीला पदार्थ देखा है हमने, क्या है होता है पदार्थ देखा है, धातु देखा है, अपारदर्शी देखा है, रुक्ष या खुरदुरा देखा है, विलेय देखा है, पारभासी देखा है और पारदर्शी। कहानी के रूप में हम लोगों ने इनकी परिभाषा जानी है, इनका शब्दों की। अब यहाँ जो सारांश इसका चैप्टर का निकलता है वो क्या है? हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं, वो तो नॉर्मल सी बात है। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से बनाना संभव हो सकता है अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते हैं। कुछ खुरदरे होते हैं तो कुछ अन्य चिकने होते हैं। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं, कुछ अन्य कोमल लगते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं जबकि कुछ अन्य पदार्थ आबिलीय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होता है अथवा कुछ अन्य जैसे लकड़ी, धातुएं अपारदर्शी होती हैं। कुछ पदार्थ पारभासी होते हैं। पदार्थ को उनके गुणों में समानता एवं विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जाता है। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ सामूहित
किया जाता है। इसी अध्याय की आपके चैप्टर कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चंस हैं, देख लेना। आपको वैसे भी टेलीग्राम पर चैनल वो डली हुई है पीडीएफ, ठीक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए और रख लीजिए, आपको आगे भी जरूरत पड़ती रहेगी। तो ये था हमारा फोर्थ नंबर का चैप्टर, आगे देखेंगे पदार्थों का पृथक्करण।